Hello students, welcome to economics classes. Dear students, till now we have discussed factors affecting individual demand and market demand. Today I will discuss shift in demand. Dear students, today I will discuss change in demand with the help of a flowchart. Dear students, I will discuss flowchart in the video class also. And the same thing I will discuss in the live class also. So, understand it properly. Till now we have discussed demand is a function of PM, PR, Y, T, E, M. You are aware of all these terms. Dear students, you must have noticed one thing ki demand ke andar ek price hai और एक फैक्टर अदर देन प्राइस है, यानी इन सब जगह पे प्राइस कांस्टेंट हो जाता है और जो डिमांड में चेंज आता है इट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। और बेटा जो अदर देन प्राइस है इसी को हम लोग एजम्पशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एजम्पशंस। नाउ आई विल मेक द फ्लो चार्ट। चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, occurs due to change in factor other than price. इसलिए मैंने बेटा यहां पे P लिख दिया और यहां पे O लिख दिया। occurs due to change in price, there is change in quantity demanded. यहां पे quantity में change होगा और here there will be change in demand. There will be only change in demand. In change in quantity demanded, there may be expansion, extension or contraction in demand. एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और बेटा चेंज इन डिमांड में क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिमांड एक्सपेंड कब करेगा? व्हेन प्राइस फॉल्स। और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। तो बेटा दिस कुड बी रिटन इन द प्रॉपर लैंग्वेज बाय सीइंग द बुक। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब बेटा इंक्रीज, डिमांड इंक्रीजेज व्हेन अदर फैक्टर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज द केस मे बी। लेकिन बेटा यहां पे प्राइस कांस्टेंट है। डिमांड डिक्रीजेज, अदर फैक्टर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इन केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड there is a movement along the demand curve, or change in case mein there is a shift in demand curve. Ab beta movement kidhar hoga? Movement along the demand curve in case of expansion is downward, movement along the demand curve in case of contraction is upward. Kidhar shift karega? In case of increase it shifts towards rightward. In case of decrease इट शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट वर्ड। तो बेटा इसको याद करने के लिए मैंने एक वर्ड बना दिया, डी यू आर एल। एक्सपेंशन में डी डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में यू अपवर्ड, इंक्रीज में आर शिफ्ट राइटवर्ड, डिक्रीज में शिफ्ट एल लेफ्ट वर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दिस we have total 6 difference which I will discuss one by one, but before moving ahead I should make you how to prepare the diagram for expansion and contraction, that means downward or upward. to beta ek simple sa hai, maine roughly aapke liye draw kiya hai. ye mera x axis hai, ye mera y axis hai. ab aap kya karo? q2 q1, यानी क्वांटिटी इंक्रीजेज और क्वांटिटी डिक्रीजेज। सिमिलरली प्राइस डिक्रीजेज, प्राइस इंक्रीजेज, P2 P1। आप स्केल पेंसिल से P को Q से मिला देना। अब देखो बेटा मुझे एक्सपेंशन का करना है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, तो आप क्या करोगे? इस लाइन को स्केल से इससे मिला देना। अब देखो प्राइस डिक्रीजेज, एरो डाउनवर्ड। अब दूसरा बेटा P से P2, प्राइस इंक्रीजेज, तो अब क्या होगा?
डाउनवर्ड, तो इसको स्केल से Q1 से मिला देना। यानी अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड हैज डिक्रीज्ड, तो ये बन गया बेटा अपवर्ड, क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस अपवर्ड। अब बेटा मैं आपको एक रूल बताता, देखो प्राइस डिक्रीजेस था तो डाउनवर्ड, प्राइस इंक्रीजेस था तो अपवर्ड। इसी केस को मैंने प्राइस डिक्रीजेस डाउनवर्ड, प्राइस इंक्रीजेस अपवर्ड। एंड इन केस ऑफ बेटा शिफ्ट इन डिमांड इट इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि बेटा यहां पे प्राइस है कांस्टेंट, पी से पी टू, पी से पी वन, ये बेटा इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, और डिमांड कर्व डी डी। अब बेटा इट शिफ्ट राइटवर्ड इट इज डिनोटेड बाय डी टू डी टू, और इट शिफ्ट लेफ्टवर्ड इट इज डिनोटेड बाय डी वन डी वन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, we have 6 questions based on this and we will discuss one by one, and today you will write down the difference of question number 1, what is difference between change in quantity demanded and change in demand with the help of this flow chart or with the help of the book. That's all for today. Thank you.